अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मेरे खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ आज पौन समोसे के लिए मैंने लिया है 2 कप मैदा, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच अजवाइन, 3 से 4 चम्मच मैंने ऑयल के लिए है, आटा मैंने गूंद लिया था और आधा घंटा इसको मैंने गूंद के रखा है, आधा घंटा भी गूंदा है और ये मैंने गूंद लिया है और ये है बेसन और इसमें थोड़ा फूड कलर है, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है, इसको फेंट के फ्राई करेंगे इसमें बेसन लगा के। आलू लिया है मैंने आधा किलो करीब, आधा किलो मैंने आलू लिया है उसको बॉईल कर लिया है, एक प्याज लिया उसको बारीक काट ली, थोड़ा सा हरा धनिया है उसको भी काट लिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच कुटी हुई मिर्च, नमक हल्दी जाएगा, एक मैंने लेमन लिया है। आलू को कर दी मैश, अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आलू को, इसके बाद हम इसमें सारा सामान डालेंगे अपने मसाले। लेमन, सॉल्ट, अब अच्छे से मिक्स करूँ उसको, हम उसे बता दूँ प्याज खुल गया भी, प्याज और हरा धनिया भी डाल दिया है इसमें, प्याज और हरा धनिया डाल दिया, अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। यहाँ हमने पेड़े बना लिए सारे और ये रोटी बेल ली है, अब हम इसको तवे पे डालेंगे। रोटी हमने सेक ली थी, हमने इसको 10 सेकंड के लिए हल्के हल्के इस पर ही सेकी थी, पूरी इसको पकाना नहीं है, हल्का कच्चा रखना है इसको। अब हम इसकी कटिंग कर रहे हैं, कर लिए इस तरह से चारों हमने पीस बराबर रखे हैं, इसकी हमने कटिंग कर ली, अब इसके हम फिलिंग करेंगे, बना रहे हैं इसकी आपको दिखा दें जिस तरह से इसकी हम फिलिंग करेंगे। तो अभी बस देखें कौन हमने सारे बना लिए हैं, अब इसमें मैं फिलिंग कर रही हूँ, इस तरह से इसमें फिलिंग होगी और अब हम इसमें बेसन में इसको डिप करके फ्राई करेंगे। देखिए बस हमारे कौन समोसे रेडी हैं और बहुत झटपट बन गए, बहुत आसान है ये, एक दफ़ा ज़रूर इसको ट्राई करके देखें रमज़ान में और आगे हम रमज़ान में आपको न्यू ईयर रेसिपी देंगे। तो देखें व्यूअर्स हमारे कौन समोसे रेडी हो गए हैं और बहुत झटपट बन गए हैं, बहुत आसान है ये, प्लीज़ इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें, देखें बहुत ही ज़बरदस्त से बने हैं ये और आगे हम रमज़ान में आप लोग के लिए न्यू ईयर रेसिपी, तो इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देखें, रमज़ान में बहुत ही मज़ेदार बने हैं ये। मेरी वीडियो को करें लाइक, चैनल को करें सब्सक्राइब, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।